कितना चाय पीती हो? अरे चाय पे क्यों बोल रहे हैं? चाय एक ड्रिंक नहीं है मेरे लिए, चाय एक इमोशन है। पता है कैसे? कैसे? हमसे अगर बहुत प्यार करते हो तो आप हमको रोज चाय सुबह बना के दें। ऐसा हर बीवी उम्मीद करती है अपने पति से कि आए बैठी पिला। अगर चाय ना पूछो किसी को तो भैया दुश्मनियां हो जाती हैं कि बताओ इतनी दूर से गए तुम, क्या चाय तक नहीं पूछी गई हमको। अगर आप किसी की इज्जत करते हैं, बहुत मतलब दामाद टाइप के लोग आए आपके यहाँ, लड़की के जो है ससुराल वाले आए हैं, तो चाय बढ़िया बनाना, अदरक डाल देना, दूध बढ़ा देना। और कहीं लड़की के मायके वाले आए हैं तो कहीं देखो फ्रिज में रखा है परसों का एक प्याली दूध, बना लो उसमें पानी मिला के चाय पिलाओ। और कहीं बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, कहीं आपके बॉस को स्वागत, कहीं उसमें थोड़ी इलायची भी डाल देना, तो चाय में इलायची, दूध बनाना, ये सब हमारी इज्जत देने के प्रतीक। कुछ लोग की तो आंख ही चाय से खुलती है कि जब तक उनको चाय ना दो उनकी आंख नहीं खुले। फिर कुछ लोग की आंख खुल गई तो उनके आगे के जो कार्यक्रम होते हैं, फ्रेश होना ये सब, वो चाय पीने पिए बिना उनका जो है नहीं क्लियर मामला हो पाता है ना। फिर कुछ लोग का वो भी मामला क्लियर होता है, कुछ लोग को नहाने से पहले चाय चाहिए, कुछ नहा चुके तो कुछ को नहाने के बाद चाहिए, ऑफिस का डिस्कशन उसमें चाय चाहिए, घर के डिस्कशन में चाय चाहिए, कोई आंटियों का बड़ा घनघोर डिस्कशन चल रहा हो तो उसमें चाय चाहिए। तो चाय तो हमारे सुख में भी होनी चाहिए, चाय हमारे दुख में। के कई प्रकार आ गए, ग्रीन टी, ब्लू टी, व्हाइट टी, रेड टी, पता कौन कौन सी, लेमन टी है ना, टी जरूर होनी चाहिए। बाकी आप देख ही रहे हैं कि चाय बना के लोग, चाय बेच के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बताने की तो जरूरत है नहीं। तो हम भी रोज चाय इसी उम्मीद से बनाते हैं भाई कि शायद हम भी कहीं के कहीं पहुँच जाए अगर आप लोग सब साथ दें।